पॉपुलर कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बैन का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दिशा वकानी की अब शो में वापसी नहीं होगी। मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि अब शो के लिए नई दया बैन ढूंढ रहे हैं, लेकिन शो में दया बैन के पति जेठालाल का किरदार निभाने वाले एक्टर दिलीप जोशी चाहते हैं कि दिशा वकानी की शो में वापसी हो जाए। बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में दिलीप जोशी ने कहा, 2 साल पहले जब दिशा ने घोषणा की कि वह मेटर्निटी लीव पर जा रही हैं, तो हम इस बात को लेकर आशंकित थे कि शो कैसे चलेगा, क्योंकि जेठालाल और दया का किरदार शो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि एक एक्टर को रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, पहले भी इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। उदाहरण के लिए जब रोनित रॉय ने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में अमर उपाध्याय की जगह ली, तो कईयों ने सोचा था कि शो कैसे चलेगा, लेकिन शो अच्छे से चला। लेकिन क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक पारिवारिक ड्रामा था और यह एक कॉमेडी शो है, ये महत्वपूर्ण है कि एक्टर जो दिशा को रिप्लेस करे उसकी अच्छी कॉमिक टाइमिंग शानदार हो। दिलीप ने आगे कहा, दिश ने 10 साल तक इस कैरेक्टर पर काम किया है, जो कि छोटी अवधि नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब एक महिला माँ बनती है तो उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, लेकिन लास्ट में वो एक कलाकार भी हैं। एक कलाकार सेट से लंबे समय तक दूर नहीं रह सकता है, और इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि दिशा जल्द ही शो में वापस आ जाए। उन्होंने किरदार को स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है और इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तो देखा आपने कि कैसे जेठालाल उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दया बहन जल्दी से वापस आ जाएंगी, यानी कि शो के मेन लीड दिशा को जो भी रिप्लेस करेगा उनके मेटर्निटी लीव के बाद वो फाइनली वापस आ जाएंगी, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं जेठालाल। नेक्स्ट 9 लाइफ से अनुश्रुति की रिपोर्ट।